तो मैनेजमेंट के का सबका थैंक यू सो मच हेडो लंडर और बाकी सबका मंसूर भाई, शायद भाई, जितने भी मिलांग भाई, थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई, शायद भाई, मुजीद भाई। पेन सबको है, सबको दुख है कि हमने कहाँ गलत किया और कहाँ पे हमें अच्छा करना चाहिए था। ये हम की कोई भी नहीं बताएगा, सबको पता है, लेकिन इससे हमने सीखना है। हमारा जो ये एक यूनिट बना हुआ है ना, ये टूटे ना, ना कोई किसी के पे उंगली उठाए कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला, कोई किसी पे उंगली कोई ना उठाए, ठीक है। और सारे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव, हार गए हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे, इससे सीखेंगे, सीखेंगे, यही आगे जो आगे थी क्रिकेट उसमें ये चीजें नहीं हम दोहराएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चीज टूटे ना, ये हमने बड़ी मुश्किल से, टाइम लगता है भाई, हो ये जोड़ा जोड़ जो है ना, बड़ी मुश्किल से होता है, एक हार से कोई भी निकले ना इसमें से। मैं सबको बैक करता हूँ एज ए कप्तान, मुझे जिस तरह आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया अंदर बाहर जहां भी, बहुत अच्छा फैमिली वाला माहौल रखा, सब ने एफर्ट डाली, किसी को ये नहीं लगा, किसी ने लगा कि मैं हाथ खींच लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। हर मैच में हर एक बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और यही चाहिए होती है टीम से, कभी आप हाथ ना खींचो, एफर्ट जो कहते हैं ना, एफर्ट हमारे हाथ में है और वो हम करेंगे, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो रिजल्ट खुद आएंगे। जब आप एफर्ट करते रहेंगे ना, रिजल्ट हमारे हाथ में आते रहेंगे। तो कोई गिरे ना, ठीक है, मुझे पता सबको दुख है, लेकिन ये थोड़ी देर तक, उसके बाद ठीक है, सोचो कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ हम अच्छा कर सकते थे। तो कोई गिरे नजर ना आए, एक दूसरे को उठाओ बैकअप, यही टाइम होता है एक दूसरे को उठाने की, खींचना किसी ने नहीं है। मैं आपको जिससे भी मैंने सुन लिया ना, तो फिर मेरे मैं कुछ और बात करूंगा उससे, कोई भी किसी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अच्छा जिस तरह चलता आ रहा है वैसा माहौल रखो, एक दूसरे को उठाओ और एंजॉय करो, सीखो, ठीक है। थोड़ा सा है, लेकिन जितना जल्दी हम इसको ओवरकम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।